मेरे प्रियो, आज मैं आपको फिर से एक कहानी से आपको उत्साहित करना चाहूँगी। तो हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं। प्रकाश और जैन बचपन ही से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की शिक्षा भी साथ साथ हुई। उच्च शिक्षा पाने के बाद प्रकाश ने अपना बिजनेस शुरू किया, परंतु जैन ने बाइबल कॉलेज में जाकर बाइबल का गहन अध्ययन करने का निर्णय किया। क्योंकि दोनों के कार्य भिन्न थे, इसलिए दोनों को कई वर्षों के लिए अलग अलग रहना पड़ा। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण से लगभग एक दूसरे को भूल ही गए। प्रकाश को अपने कारोबार को बढ़ाने और खूब धनी बनने का शौक था, जो कुछ वर्षों में पूरा होने लगा। इस प्रकार कठिन परिश्रम और लगन के कारण प्रकाश धनी व्यक्तियों में गिना जाने लगा। परंतु दूसरी ओर जैन बाइबल अध्ययन करने और परमेश्वर के निकट रहने का आनंद ले रहा था। जब जैन ने बाइबल अध्ययन समाप्त किया तो उसे एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर की सेवकाई का काम मिल गया। इस प्रकार से प्रकाश अपने व्यापार में और जैन परमेश्वर की सेवा करने में जुट गए। जब इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन प्रकाश को पास्टर जैन की याद आई और सोचा कि पास्टर जैन को बुलाकर उनको दिखाऊं कि मैंने अपने जीवन में कितनी तरक्की की है और मैं कितना बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। ऐसा सोचकर प्रकाश ने पास्टर जैन को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि वे मेरे पास आए तथा मिले। पास्टर जैन को सब प्रकार का पत्र मिला तो बहुत खुश हुए और एक करके सब पुरानी बातों को याद करने लगे तथा शीघ्र ही प्रकाश से मिलने का मन बनाया और प्रकाश के पास मिलने आ गए। बहुत वर्षों के बाद जब दोनों मित्रों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। पुरानी बातें याद करने में जुट गए। कुछ देर बात करने के बाद प्रकाश ने कहा, जैन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने अपने जीवन में कितनी तरक्की की है और मैं कितना धनी व्यक्ति हो गया हूँ। इतना कहकर प्रकाश पास्टर जॉन को अपने बंगले की छत पर ले गया और पास्टर जॉन को सामने पीछे दाएं बाएं वे सब फैक्ट्रियां, फॉर्म, कारें, नौकरी के घर आदि दिखाए और कहा कि जिस कीमती और आलिशान बंगले पर आप खड़े हैं ये सब मैंने बनाए हैं, पर पास्टर जॉन तुम बताओ कि तुमने क्या कमाया है और क्या बनाया है। पास्टर जॉन ने उत्तर दिया, प्रकाश, तुमने सामने पीछे दाएं बाएं नीचे सब कुछ बनाया है, पर यह बताओ तुम्हारे पास आसमान पर ऊपर क्या है। मैं जानता हूँ मेरा इस धरती पर कुछ भी नहीं है, परंतु स्वर्ग में तुमसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। इस बात से प्रकाश बहुत लज्जित हुआ और अपना जीवन यीशु के हाथों में दे दिया। ठीक इसी प्रकार एक डाकू ने भी अपना जीवन मरने से प्रभु यीशु को दे दिया। प्रियो, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहकर उत्साहित करना चाहूँगी कि यदि हम संसारिक वस्तुओं की तरफ को देखते हैं तो हम यूं ही लज्जित होते हैं। यदि हम स्वर्गीय बातों की खोज में रहते हैं तो परमेश्वर हमें संसारिक आशीषों को भी देता है और हमें केवल नम्रता के साथ चलना है। अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा नम्रता रखनी है कि परमेश्वर ने जो भी मुझे जिस भी हाल में रखा है उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूं और अपने कार्यों में हमेशा ईमानदारी अपने अंदर रखनी है।